आदिवासी आइडेंटिटी को लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए देखिए अगर आप भारत की जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस रहा है जब भारत स्वाधीन हुआ उसके बाद, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि सभी कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपना आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे। हम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में तो चले गए और हमने एक इंडिया का इमेजिनेशन किया जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट सब एक साथ हम लोग रहेंगे। एक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशंस है जिसमें सभी के लिए एक स्पेस मिला है कि इंडिया इस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो हम लोग जो हैं उस एक लार्जर नेशन बिल्डिंग जो हो रहा है उसके अंदर में दूसरे नेशंस भी चल रहे हैं। जैसे कि उसके ही के अंदर में लोगों को लगा कि भाई एक हमारी भाषा है, तो जैसा असमिया जो है, असमिया भाषा का अपना आइडेंटिटी कैसे हुआ? क्योंकि बंगाली भाषा का एक कॉलोनियल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक उसका क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस था, उसका उस पर चलता था और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बंगाली जो है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन असम में थे, तो असमीज जो था वो लेफ्ट आउट हो, तो असमीज मूवमेंट हुआ, लैंग्वेज का हुआ, आइडेंटिटी का हुआ, इवेंचुअली असमीज कॉलोनियल स्टेट का लैंग्वेज बन गया, ये बन गया। तो बाद में क्या होगा कि हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में दो चीज़ साथ साथ हो, एक तो इंडिया का एज ए नेशन आ रहा था, लेकिन साथ साथ में ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, गुजराती, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, बिहारी, ये भी हो रहा था और सब जो है ये आइडेंटिटी के थ्रू से अपना स्टेट उकर रहे थे। तो आदिवासी भी सोच रहे थे कि वो भी जब उस, तो इसलिए आदिवासी आइडेंटिटी क्या है, आदिवासी को इस प्रकार की आइडेंटिटी नहीं मिली, एक जहां उनको अपना एक स्टेट हो, उसमें अपना सेल्फ गवर्नेंस हो, एक अपना अपने लोगों पर अपने ही लोग गवर्नेंस करें, तो वो चीज़ नहीं हुआ। तो उसके बेसिस पर क्या हो रहा है कि दूसरे जो कम्युनिटी हैं वो आदिवासियों को डोमिनेट कर रही हैं। तो सब जगह देखेंगे, अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो गुजराती आदिवासी को डोमिनेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कहें तो महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग पीपल जो आदिवासियों को डोमिनेट कर रहे हैं, बंगाल में देखेंगे तो बंगाली स्पीकिंग। सो क्या हो रहा है कि आदिवासियों को जो प्रिविलेज था वो प्रिविलेज तो मिला नहीं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ है, लेकिन सभी दो भाषा के कम्युनिटी है उनको स्पेशल प्रिविलेज, उनका अपना स्टेट है। तो उस स्टेट में आदिवासियों का एक गवर्नेंस का स्पेस ही नहीं रहा और इस लिहाज से जब लोग पढ़ने लिखने लगे, एडुकेटेड होने लगे, थिंकिंग करने लगे, तो लोगों को लगा कि हमारे भी तो एक आइडेंटिटी की पहचान है। तो आदिवासी आइडेंटिटी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आदिवासी हम कह रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भी हम भी हम भी पीपल हैं, हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा है, हमारी कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी एक्सपीरियंस है। तो जैसे आपने अपना स्पेस ले लिया है तो हमें भी तो कुछ स्पेस मिलना चाहिए और फिर हम आदिवासी के हिसाब से। तो आदिवासी जो है ये बेसिकली पोलिटिकल डोमिनेशन, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल डोमिनेशन जो कॉलोनियल पीरियड से शुरू हुआ और कंटिन्यू कर रहा है, उस कॉन्टेक्स में आदिवासी आइडेंटिटी शुरू हुई और ये फिर पूरा देश में फैल गया है। तो आज तो ये हम लोग आदिवासी बोलते हैं, तो आदिवासी हम लोग ये समझते हैं कि भाई हम वो नहीं है जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, हम उसके बाहर हैं और हमारा एक हिस्ट्री रही है और इस हिस्ट्री में क्या है कि हमको सेंचुरीज और इवन पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में हमारा एक ऑपरेशन चल रहा है, तो उसी को हम असर्ट कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमें अपने अपनी 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 ज़मीन पर, अपने जो जहाँ रहते हों, अपने टेरिटरी पर, अपनी भाषा पर हमारा अपना अधिकार होना चाहिए और हम उस पर गवर्न करें। तो इसी को लेके जो है आदिवासी आइडेंटिटी शुरू हो रही है और इसी को लेके आपने देखा कि प्रोविजन्स ऑफ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया से आया, उसी के बेसिस पर आपका देखते कि शेड्यूल ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट आए। तो ये जो था एक कंटिन्यूएशन में जो था कॉन्स्टिट्यूशन में उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन जो एक ड्रीम है आदिवासियों का कि हमारा भी एक स्टेट होना चाहिए, एक काउंसिल होना, वो आदिवासियों को मेनलैंड इंडिया में नहीं हुआ लेकिन वो आपको नॉर्थ ईस्ट में लोगों को मिल गया, क्योंकि नागाइसों का अपना स्टेट है, मिजों का अपना स्टेट है, खासीगारों का अपना स्टेट है, अरुणाचली लोगों का अपना स्टेट है, उस प्रकार का वहाँ भी बोडो लोगों को ऑटोनमस काउंसिल मिल गई, उसी प्रकार बहुत सारे ऑटोनमस काउंसिल, लेकिन उस प्रकार का जो पॉलिटिकल प्रोविज़न है वो हमें पेनिनसुलर इंडिया में
नहीं मिला। तो इसीलिए ये आदिवासी आइडेंटिटी अभी भी आदिवासी जैसा नॉर्थ ईस्ट में अपने को आदिवासी नहीं मानते हैं, वो कहने को ट्राइब मानते हैं, क्योंकि आदिवासी वहाँ वही होता है जो इस एरिया से, मैंने कि आपका सेंट्रल इंडिया से वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया से जब चाय बगाना आ रही थी वहाँ जाके सेटल हो गए, तो उनके लिए आदिवासी यूज़ किया जाता है। तो ये नहीं है कि वो नहीं जाते, वो ये कहते हैं कि हम आदिवासी ये हैं, इसलिए उनसे अलग करने के लिए वो अपने को ट्राइबल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में आदिवासी का नोशन जो है वो बहुत नैरो हो गया है। ठीक है, और ये भी रहा है कि आदिवासी आइडेंटिटी जो है वो कॉलोनियलिज्म से आया है, कॉलोनाइजेशन एंड कॉलोनियल एक्सपीरियंस, कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली जो पहाड़ के ट्राइबल्स है उसमें बहुत कम था, लेकिन हम लोगों का पूरा पेनिनसुलर इंडिया में जो था ये एक्सप्लोइटेशन कॉलोनियल ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश भी हमें एक्सप्लोइट कर रहे थे और नॉन ट्राइबल भी हमें एक्सप्लोइट कर रहे थे, और वो एक्सप्लोइटेशन हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद भी चल रहा है। तो इसीलिए ये जो आइडेंटिटी जो है हमारी है, क्योंकि हम लोग का कॉलोनाइजेशन एक्सपीरियंस हुआ है, और उस एक्सपीरियंस को असर्ट करने के लिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग आदिवासी, हम लोग ओरिजिनल पीपल हैं, और उसको कहने के बाद में हम लोग कहना चाहते हैं कि आप जो हमको अभी भी डोमिनेट इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशली कल्चरली आप हमको डोमिनेट कर रहे हैं, और उस डोमिनेशंस को हम थ्रो करना चाहते हैं, इसलिए हमें एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में आदिवासी आइडेंटिटी आ गई है।